दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपने ब्लॉग और वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र में ब्लॉगर ओपन कर लीजिए। मैं ओपन कर लेता हूं ब्लॉगर। ब्लॉगर में आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप सेटिंग पे क्लिक कीजिए। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे सर्च प्रेफरेंस लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए स्क्रॉल डाउन कीजिए, गूगल सर्च कंसोल लिखा है। देखिए यहाँ पे क्राउलर्स एंड इंडेक्सिंग के नीचे गूगल सर्च कंसोल, ये जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ गूगल सर्च कंसोल। उसके सामने देखिए एडिट लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे ऐड अ प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिए। अभी यहाँ आपको वेबसाइट अपनी देनी है, अपना जो भी वेबसाइट का यूआरएल है वो देना है। तो वो आप कहाँ से लेंगे, तो वापस ब्लॉग में जाइए। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्यू ब्लॉग लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ से आपका ऊपर से जो भी यूआरएल है उसको कॉपी कर लीजिए। मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और वापस आप सर्च कंसोल में यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट, देखिए यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिए। अभी ये देखिए हमारा, ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ यूज न्यू सर्च कंसोल लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए आपका इस तरह का इंटरफेस आ गया। फिर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिए, सेटिंग लिखा होगा, देखिए ये रहा सेटिंग, उस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ देखिए ओनरशिप वेरिफिकेशन, यहाँ आपको क्लिक करना है। देखिए और स्क्रॉल डाउन कीजिए और देखिए एचटीएमएल फाइल, एचटीएमएल टैग, आपको एचटीएमएल टैग में जाना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। और देखिए ये वाला जो है आपको HTML फॉर्मेट जो है मेटा टैग, ये आपको पूरा कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी। और ये जो HTML फॉर्मेट है ये आपको अपने ब्लॉग में जाना है वापस। यहाँ थीम पे क्लिक कीजिए, देखिए यह सेटिंग के बिल्कुल ही ऊपर है थीम, यहाँ क्लिक कीजिए। और यहाँ देखिए एडिट HTML लिखा है, एडिट HTML पे क्लिक कीजिए। और ये आपको कहाँ पेस्ट करना है, तो कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इनटू योर साइट्स होम पेज, इट शुड बी गो इन द लेस देन ग्रेटर देन हेड सेक्शन। तो अब ये हेड के नीचे, तो ये हेड हम कहाँ से ढूंढेंगे, तो यहाँ आप कंट्रोल F क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ खुल गया। अब यहाँ आपको टाइप करना है हेड, ये देखिए ऐसे आप लेस देन ग्रेटर देन करके टाइप कीजिए हेड और एंटर करना है। ये देखिए पहले ऊपर ही है, यहाँ आपको हेड के आगे क्लिक करना है और एंटर करना, एक बार एंटर करना है। तो वापस हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं, ये वाला कॉपी, और हेड के नीचे पेस्ट। ये देखिए बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, हेड के नीचे पेस्ट कर देना। उसके बाद आप सेव थीम पे क्लिक कीजिए। ये देखिए आपका हो गया। अब यहाँ से वेरीफाई क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे वेरीफाई लिखा है, आप ये जब पेस्ट कर देंगे तो यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। ये देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ गया, ये देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, आप HTML टैग को अपने ब्लॉगर या वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।